मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक पुनर्वास भी जल्द हो सकता है। पार्टी हाईकमान से चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया है। शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि जेपी नड्डा से भेंट के बाद शिवराज सिंह की नई जिम्मेदारी को लेकर निर्णय हो सकता है। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है या फिर कुछ महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं इससे पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव अन्य दायित्व निभा चुके हैं। 5 बार सांसद रहने के कारण उन्हें लोकसभा चुनाव का भी अच्छा अनुभव है। बता दें, संभावित मंत्रियों के नामों पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा ने रविवार को दिल्ली में जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके पहले नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय ने दोनों नेताओं से भेंट की थी। यहां शिवराज नहीं थे, तभी से यह माना जा रहा था कि पार्टी हाईकमान उनसे अलग से बात करेगा। विधानसभा में सोमवार को मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है जो दोनों पक्षों में देखने को मिल रही है। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है तो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष है, इसे बहुत सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा।